नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर पहुंचेंगे, योग दिवस को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंचने का ये दौरा। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पीएम के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। रियासी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, श्रद्धालुओं पर यहां हमला करने वालों के जो मददगार हैं उन्हें फिलहाल आप देखिए किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। खाना पहुंचाने और रास्ता दिखाने का ये काम करता था एसएसपी रियासी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया, और रियासी हमले के मास्टरमाइंड का जो मददगार है वो पुलिस की हिरासत में है। 9 जून को शिवखोरी से आ रही बस, आतंकियों ने इस पर हमला कर दिया था, हमले की शिकार हुई थी, और आतंकियों ने बस पर 40 से 50 राउंड की फायरिंग भी की थी। और यहां पर इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी और 33 के लगभग लोग यहां पर घायल हुए थे। लेकिन अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए कल कश्मीर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और योग दिवस पर श्रीनगर से ही देश और दुनिया को संदेश देंगे। लेकिन उस बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आतंकियों के मददगार को पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ को जारी रख दिया गया है। और उसके साथ साथ 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 20 जून को शाम 6 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में पहुंचेंगे। युवाओं को सशक्त किस तरह से बनाना है, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में भाग लेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। कृषि और संदर्भ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धता आत्मक सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। लेकिन उस बीच में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के ठीक पहले ही किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 9 जून को आतंकियों ने घात लगाकर श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 33 लोग यहाँ पर घायल हुए थे। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एसएसपी की तरफ से बड़ा खुलासा, जहां पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकियों को खाना पानी और रास्ता दिखाने में ये मदद करता था, और उसके बाद आतंकियों ने किस तरह से यहां पर वारदात को अंजाम दिया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कर्नल सतीश कुमार मगोत्रा है, रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सोहेल काजमी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। राजेंद्र गुप्ता है, नेता है बीजेपी से, आपका भी स्वागत। राजीव सराफ जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मगोत्रा जी आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचेंगे, शाम 6 बजे का समय बताया गया है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? आवाज आ रही है मगोत्रा जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सोहेल जी, जी आशा जी, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ हम सबको सलाम करना चाहिए एसएसपी मोहिता जी को, उनकी टीम को, कि विद इन नो टाइम जो ओजीडब्ल्यू वर्कर है वो एप्रीहेंड कर लिया अपनी सोर्सेस के हिसाब से, और इस अरेस्ट के साथ बहुत सी चीजें जो हैं और बहुत से ओवरग्राउंड वर्कर्स जो और भी मुलव्वस हैं ऐसी वारदातों में साथ देने के लिए मिलिटेंट्स का या पाकिस्तान का, मुझे लगता है इसके अरेस्ट के साथ बड़े से क्लूज और जो है वो सामने आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जेएंडके पुलिस जो है वो सतर्क है और राउंड द क्लॉक काम कर रही है, कि विद इन नो टाइम The overground worker has been arrested, and with his arrest, many more arrests are मुझे देखने को मिलेंगी कल तक। तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट कल है जैसे आप कह रही हैं, और पूरी दुनिया की नजर जो होती है प्राइम मिनिस्टर के विजिट पे रहती है, खासकर जब वो कश्मीर आते हैं, और सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। जिस तरह के इलेक्शंस यहाँ खुले ढंग से हुई है, खुली फिजा में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान इस वक्त टोटल फ्रस्ट्रेट है, एक तो अपनी पॉलिटिकल क्राइसिस से और दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस से, और ये जो इंसिडेंट्स पाकिस्तान ने किए हैं उसकी रिटेलिएशन में जो पुलिस ने आज अचीव किया है, मैं समझता हूँ रिमार्केबल है, और इसके डिविडेंड्स जेएंड के पुलिस और मिलेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है राजीव जी। आशा जी मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब पिछले कई हमने मतलब पहले तो इलेक्शन 7 चरणों में जब हुआ तो कोई ऐसी घटना वगैरह नहीं घटी, लेकिन अब पिछले जैसे इलेक्शन खत्म हो गया, पार्लियामेंट के रिजल्ट निकले, उसके बाद यकायक घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई।
कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा सिक्योरिटी का फेलियर है, कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज का नेटवर्क नहीं है। ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी और समय पे इनको अगर रोकथाम की जाती तो ये कम से कम ये लॉसेज जो है रोके जा सकते थे। तो मेरा ये इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस और ये एजेंसी का जो भी अपना नेटवर्क लोकल लोगों के साथ तालमेल, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, हर जगह सिक्योरिटी नहीं हो सकती, तो जब तक आपका लोकल के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, लोकल नेटवर्क आप एस्टेब्लिश नहीं करोगे, तो इस तरह की दिक्कतें आने वाले समय में भी दिख सकती है। राजेंद्र जी वो कह रहे हैं कि तालमेल की कमी थी जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई। हाँ नमस्कार सब पैनलिस्ट को और आपको जी। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मिलिटेंसी एक कैंसर की तरह है और इसको हिंदुस्तान ने बड़े करीब से सहा है। 20-25 साल का एक टेन्योर हमने पंजाब में सहा, पिछले लगभग आज़ादी के बाद ही हम ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जम्मू कश्मीर में सहते आ रहे हैं, चाहे नक्सलाइट की समस्या हो, ये हिंदुस्तान में रही है। मैं मगर कहूंगा कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सत्ता में आने के बाद उनकी एक क्लियर कट पॉलिटिक्स पॉलिसी रही कि मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पावर जो है वो दिखाई जाएगी। मैं कहूंगा कि हमने बड़ा बुरा देश दौर इस जम्मू कश्मीर में देखा है, मगर मैं कहूंगा कि 2014 के बाद बड़ी चीजें चेंज हुई हैं और मिलिटेंसी ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म है। हाँ कहीं ना कहीं जो वो लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी है, कहीं ना कहीं वो कामयाब हो जाता है इक्का दुक्का ऐसी हरकतें करने में। मैं कहूंगा हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को हम सैल्यूट करेंगे कि वो टाइम रहते इन मिलिटेंटों को धर के मार के जहन्नुम का रास्ता बताते हैं और जो OGW वर्कर हैं उनको जैसे अरेस्ट किया है। मैं कहूंगा इससे बड़ी चीजें जो है गिरफ्तार किया है जो खाना पानी और रास्ता दिखाने में मदद करता था। 45 वर्षीय ये व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है और जम्मू कश्मीर का दौरा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उससे ठीक पहले एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है पुलिस की तरफ से। ये मेरे से जी मगोत्रा जी, ये मगोत्रा जी का एक बार प्लीज देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ जवाब दीजिएगा मगोत्रा जी। हाँ आशा जी, देखिए आप उस दिन आपके मन से यही बात ही चल रही थी कि भाई क्या वजह है, किस वजह से हमारे यहाँ पर ये वारदात होती है। आज आप देखिए कि अगर ये बात पता लग गई कि ये जी वहां पर उनको रास्ता दिखाता था, ये करता था, वो करता था, तो मैं ये कहूंगा कि जो एजेंसी हमारी ये काम कर रही है, चाहे वो आर्मी की है, इंटेलिजेंस पुलिस की है या किसी की भी एजेंसी जो है, जिनका ये काम है, जो फिल्टर पीछे लगे हुए हैं, तो देखिए उस दिन भी ये बात हुई थी, तीन तरह के फिल्टर हैं। पहला फिल्टर है हमारा आर्मी जो बिल्कुल बॉर्डर पर लगी है, वहां से अगर वो क्रॉस कर भी गया तो पीछे आएगा तो किसी न किसी कैर में जा आकर रुकेगा, रहेगा। तो अब अगर पुलिस ये पकड़ के ला रही है कि ये जी रास्ता दिखाता था, फलां जगह रहता था, रजौरी का आदमी है, अगर ये अभी इनको ये सब कुछ पता लग गया तो ये अगर चीजें पहले पता होती तो आप बताइए ये वारदात क्यों होती। बात यह है कि आवाम के साथ डेफिनेटली तालमेल जरूरी है, इसमें कोई दोरा नहीं है। कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर अगर आजकल थोड़ा बहुत शांति जो चल रही है, मैं आपको इसका वो कहता हूं कि ये आवाम खुद चाहता है कि वहां जो शांत रहे और आवाम की सबसे बड़ी इसमें हिस्सेदारी है। और यहाँ पर भी हर जगह पर जहां पर कि हमारे अवाम जो है जो हमको नहीं बताएगा या वो हमारी मदद नहीं करेगा, ओवरग्राउंड वर्कर अंडरग्राउंड वर्कर काम करते हैं। तो आप अब अगर पकड़ के ला रहे हैं कि जी ये फलां महल्ले में रहता था, फलां जगह था, तो आप मुझे बताइए कि उस इलाके की जो पुलिस की चौकी थी या इलाका था या जिस, तो उनको ये चीजें क्यों नहीं पता थी। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, या तो हमारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं, या हमारे लोग पैसा खा रहे हैं, या हमारे वहां पर जो सोर्स है वो काम नहीं कर रहा है। राजेंद्र जी जवाब आप देखिए, लाखों रुपए हम लोग स्पेंड करते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर, हम इन मुखबिरों को पैसे देते हैं,
तो इसका मतलब या तो वो हमको खबर नहीं दे रहे या हमारा कहीं तालमेल जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वारदातें जो है, और पाकिस्तान तो चाहेगा ही, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि मेरा ये जो दुकान चल रही है ये बंद हो जाए। चलिए राजेंद्र जी सीधा अभी के पास आते हुए जवाब दीजिएगा मल्होत्रा जी की बात का। मल्होत्रा जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो अपने उनका जो एक्सपीरियंस है उस पर वो बात कर रहे होंगे, मैं उनकी किसी बात पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मेरा इतना जरूर मानना है कि हम ये नहीं कह सकते कि सारे का सारा तंत्र जो है वो खत्म हो गया। अगर तंत्र खत्म हो गया होता तो 14 के बाद जो मिलिटेंसी है वो बिल्कुल कश्मीर में खत्म ना होती। आज की मिलिटेंसी जो है वो खत्म है, मैं मान के चलूंगा। ये जो इक्का दुक्का वारदात होती हैं, इनको बड़ी जल्दी हमारी जो यहाँ की पुलिस फोर्सेज है, चाहे हमारी आर्मी है, चाहे हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो सब मिलजुल के इसके खिलाफ एक जोरदार ढंग से प्रहार करती हैं और बड़ी जल्दी मिलिटेंटों को नेस्ता नबूद करती हैं। एक बात मेरी जरूर है कि ये जो हमारे OGW वर्कर हैं, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की 99.9% जनता जो है वो देशभक्त है, चाहे यहाँ का हिंदू है, मुस्लिम है, पहाड़ी है, गुज्जर है, मैं कश्मीरी है, मैं कहूंगा कि देशभक्त लोग हैं। तो फिर जो पकड़े जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई एक काली बैरियर हैं ऐसे जिनको हमें पकड़ के सोसाइटी से बाहर लाना पड़ेगा ताकि जम्मू कश्मीर एक चैन की नींद सो सके। ठीक है सोहेल जी, किसी की भी देशभक्ति पर कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चलेगा, पाकिस्तान हमेशा इस फराग में रहेगा कि छोटे सा हो या बड़ा हो, हाँ। कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ दहशत का जो नाच है वो खेला जाए, क्योंकि पाकिस्तान को कोई और काम नहीं है सिवाय कश्मीर हाइप लेने के, कश्मीर के फोकस को डाइवर्ट करने में। और इस वक्त पाकिस्तान देखिए, मेरे जो यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं ये जानते हैं, पिछले 70 ईयर से वो किसी की भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, इसमें सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जब हम खुशहाली की तरफ चलेंगे तब तक हमारे चैलेंजेस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार की बढ़ जाती हैं। कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसका नोट जो है मुझे लगता है सारी एजेंसीज को लेना पड़ेगा, और जो सोर्सेज हैं जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमरनाथ यात्रा है, वो हमेशा कोशिश करेंगे इसको डिस्टर्ब करने की, लेकिन बिल्कुल राजेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, 2014 के बाद एक क्लियर मैसेज दिया और परसों ही अमित शाह साहब ने जो मीटिंग की और एक और लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दे दिया कि भाई हम कड़ा रुख और अपनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो एक जरूरत है, टाइम की डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हितों में जम्मू कश्मीर के लोग हिफाजत से, अमन से अपनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे आगे चले। जम्मू कश्मीर ने बहुत खोया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की 4 गुना बढ़ जाती है जब जब कश्मीर में टूरिज्म प्रवेल होगा, जब जब यहाँ जो है अच्छी सरकारें आएंगी, इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिवाय कश्मीर के राग के और कोई राग नहीं है रागने को, जो UN में जाके या मुस्लिम वर्ल्ड में जाके वो कटोरा जो है, जो डोनेशन बॉक्स है वो लेके जाएंगे, सिवाय कश्मीर के उनके पास कोई नहीं है। सो वी हैव टू बी मोर विजिलेंट एज फार एज अवर सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। अब इक्का दुक्का इंसिडेंट हो गया, हम सब कंडेम करते हैं, ह्यूमन लॉस इज ह्यूमन लॉस, लेकिन ये है कि इतनी जल्दी अप्रीहेंड करना किसी OGW वर्कर को, ये भी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है J&K पुलिस की, और इसके साथ सारी कड़ियां जो है वो बाकी भी खुल जाएंगी, और क्या पता डांगरी के जो जो अटैक हुआ था उसके भी जो जो, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सोहेल जी, सवाल तो वही उठ रहा है ना कि रियासी के अंदर अटैक होता है और शख्स गिरफ्तार होता है राजौरी का, और अगर राजौरी के अंदर वो एक्टिव है तो फिर राजौरी और पुंछ के अंदर जो कुछ हुआ, बहुत से तार जुड़ते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं यहाँ पर। मगोत्रा जी पहले आप जवाब दीजिएगा, राजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर मगोत्रा जी, फिर तो बहुत तरीके से एंगल से खंगालने की जरूरत है। आप आशा जी, आप आज से 50 एपिसोड पहले निकाल लीजिए, हम लोग सेम बात करते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, जो लोग हमारे यही बात चलती है। देखिए कश्मीर के अंदर इस वक्त क्यों शांति हो गई, लोग कहते हैं जी शांति है, देखिए इक्का वारदात जरूर होगी, ये बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ना ही कश्मीरी आवाम चाहता है, अगर कश्मीरी आवाम चाहता हो तो वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया है, और कई जगह उन्होंने दी है, और यही वजह है कि इस वक्त जो है वहां पर शांति। आप देखिए टूरिज्म वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे,
क्योंकि उनकी पूरे साल की जो कमाई है वो टूरिज्म के ऊपर है और टूरिज्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए हम देखे कोई आजकल पथराव नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, 370 टूटा, पहले लोग एकदम सड़कों पे आ जाते थे, अब कोई नहीं आया। अवाम भी वहां पर सोच रहा है कि हम आजाद हुए हैं, बाकी के वहां पर टाइट होने की वजह से, क्योंकि अवाम भी अब खुल के बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि ये जो मिलिटेंसी वो डाइवर्ट हो रही है रजौरी पुंछ के इलाकों में। रजौरी पुंछ के इलाकों में पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज, कुछ ना कुछ वारदात होती थी। पर कहने का मतलब जो आशा जी आप भी हिंट कर रही थी कि अगर वो रजौरी में हुआ है तो या तो हमारी अपनी कमजोरी है कहीं पर, क्योंकि अगर आज हम ये कह रहे हैं, मैं अभी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आज अगर हम ये कह रहे हैं वो रास्ता दिखाता था तो वो रजौरी में कहाँ किसके यहाँ ठहरा हुआ था, कौन था जो, इसका मतलब उनके तार काफी लंबे तौड़े जुड़े हुए थे और ये तार क्यों नहीं पकड़े जा रहे, क्योंकि हमारे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको हम मुखबिर हम बोलते हैं, हमारे मुखबिर भी हैं, हमारे भी सोर्सेज हैं, हमारे भी सोर्सेज जाते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं, उनके भी आते हैं, उनके भी सूचित करते हैं। पर चीज ये है कि हमको आवाम के साथ मिलकर, और आवाम का इसमें मैं कहूँगा बहुत बड़ा रोल है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आवाम को भी कई जगह पर बहुत जबरदस्त कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये मैंने अपने खुद बारामूला के अपनी आंखों से देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर तो उनका तो कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं है। इस बार बगोचा जी ज्यादातर आम जनता सामने भी आई है, आपने हीरानगर में भी देखा, डोडा में भी देखा, उसके बाद जम्मू में जो संदिग्ध देखे गए उधर भी देखा, लेकिन कुछ शरारती तत्व आज भी है समाज के अंदर। राजीव जी, आशा जी, मेरे साथी रजिंदर जी ने, एक्सपर्ट ने एक बात कही थी कि 25 साल पंजाब में मिलिटेंसी रही, क्या 25 साल पुरानी और आज की टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई? क्या हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट नहीं हुई? क्या उस जमाने में शायद लैंडलाइन फोन होते होंगे या मोबाइल नहीं इतने होते होंगे? आज हर चीज की नेटवर्किंग है, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी है, हर चीज का रिकॉर्ड होता है, जो मोबाइल होता है उसकी सारे लोकेशन हो जाती है, ट्रेस आउट होती है। मैं ये आपको बताऊं, ये ओवरग्राउंड वर्कर वाले जो हैं, ये आइडेंटिफाइड होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में नहीं पता तो कौन क्या कर रहा है। और एक अगर किसी का पर्स गुम जाए और पुलिस शाम तक वो बरामद कर लेती है तो क्या उनकी नजर में ये लोग नहीं होते? फिर सीआईडी हमारी किस वास्ते है? फिर हमारी सीआईडी क्या काम कर रही है? बाकी एजेंसी हमारी क्या काम कर रही है? तो हमें, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य पिछले 10 साल से 2014 से मैंने देखा कि कोई भी मिनिस्ट्री इसकी जिम्मेवारी नहीं लेती। इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी और कोई भी एलिगेशन लगता तुरंत रिजाइन हो जाता था, एलिगेशन में इनोसेंट भी प्रूव होते थे, सब कुछ होता। शिवराज पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, बॉम्बे अटैक हुआ तुरंत रिजाइन किया उन्होंने, आज कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। नीट का स्कैम हो जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेवारी, रेल का हादसा हो जाए तो रेल वाला मंत्री जिम्मेवारी नहीं लेता, यहाँ हादसे हो जाए कहीं कुछ हो जाए तो होम मिनिस्टर जिम्मेवारी नहीं लेते। कहां जिम्मेवारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना अपनी, अगर सरकार में आप बैठे हो जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक है, जवाब दीजिए राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी कोई नहीं आजकल ले रहा है, लेने की जरूरत है। राजीव जी मुझे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमने 25 साल वहां, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, और ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि तब क्या था, अगर तब आर्मी हमारे के पास कम इक्विपमेंट थे, इतनी तरक्की नहीं थी, और मिलिटेंसी मिलिटेंट्स के पास भी उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे। आज अगर हमारी आर्मी अपग्रेड हुई है तो मिलिटेंसी जो लोग कर रहे हैं वो भी अपग्रेड हुए हैं, एक इशू ये है। दूसरा ये है कि हमने 2014 के बाद मिलिटेंसी खत्म करके दिखाई है, हमारे होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, इनको एप्रिसिएशन जाना चाहिए। हम मान के चलेंगे कि इतने बड़े देश में इक्का दुक्का वारदातें नहीं होनी चाहिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मगर हम उससे ये नहीं कहेंगे कि हमारा पूरा जो तंत्र है वो बैठ गया। तंत्र बैठा था जब पंजाब में मिलिटेंसी थी, तंत्र बैठा था जब हम 20 साल 25 साल कश्मीर में घुस नहीं पा रहे थे, पत्थरबाज थे, रोड डेड बॉडीज धोते थे, कौन से होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, अब इन सबको कर देना चाहिए। हम दो दो प्राइम मिनिस्टर जो है मिलिटेंसी की चपेट चढ़ा चुके हैं, इससे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ा क्लियर हार्टेड होना चाहिए के मिलिटेंसी के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस होगी, चाहे वो कांग्रेस में हो तो चाहे वो बंदा बीजेपी। वो कह रहे हैं कि क्लियर हार्टेड होना चाहिए, एक दूसरे पर टीका नहीं इस तरह से फोड़ना चाहिए। जब श्रीनगर में मिलिटेंसी थी तो उस समय जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब
भाजपा समर्थित सरकार थी, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर भी इन्हीं के थे, और ये इस जिम्मेवारी से नहीं हो सकता कि इग्नोरेंस कोई ला नहीं है कि अगर आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं मिलिटेंसी महीने में एक वारदात हो तो डर का माहौल तो है, जब तक डर खत्म नहीं होगा तो हम कैसे कहें मिलिटेंसी खत्म है। डर का माहौल तो लोगों में है, आज अगर एक वारदात होती है हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन एक हो जाए, श्रीनगर में कोई हो जाए, कहीं कोई हो जाए, कोई धमाका हो जाए, तो लोगों में फिर डर का माहौल है, मतलब वो माहौल से निकल नहीं पाए ना बाहर। मगोत्रा जी वो कह रहे हैं डर को दूर करने की जरूरत है, लोगों के अंदर जो खौफ है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मगोत्रा जी। देखिए ऐसा है कि ये जो मिल्टन जी कह रहे हैं कि पंजाब में हमने नहीं कर पाई, देखिए पंजाब के अवाम और कश्मीरी अवाम में दो बिल्कुल, इसको एनालाइज कीजिए, ट्राई एनालाइज, वो डिफरेंट है, उसका टोटली डिफरेंट। आज अगर वहां पर कश्मीर में शांति है तो वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू द अवाम, नॉट ओनली अवाम, डिफेंस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्स जो वहां पर काम कर रही है, इसमें कोई दोरा नहीं है। मैंने आपको बताया मैं बारामूला में, मैंने 23 साल वहां सर्विस करी, और जहां पर हम देखते थे कि लोग बिल्कुल आगे नहीं आते, आज लोग वहां पर आगे आकर बता रहे हैं कि सर यहाँ नहीं है। हम बोलते थे उनको कि देखिए मिलकर थी तभी यहाँ पर खत्म होगी, जब आप लोग बोलेंगे आखना पड़ू यहाँ पर जनाब बोले उतावा आखना पड़ू यहाँ पर, तब जाकर मिलिटेंसी खत्म होगी। और आज देखिए कश्मीर में खुशहाली है, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल खत्म हो गई, पर वो हालात नहीं है जो आज की तरफ चल। ठीक है सोहेल जी, देखिए आशा जी मैंने पहले ही कहा कि जब जब जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा भारत आगे बढ़ेगा, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमारे बॉर्डर्स तकरीबन 70-80 पॉइंट्स पे पाकिस्तान से, अब तो चाइना के साथ भी जुड़ते हैं, वो यहां डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, सरकार इनकी हो उनकी हो जिसकी मर्जी हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंडेवर होना चाहिए टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा रोल है जो आज खुद आइडेंटिफाई करते हैं एज ए सोर्स या एज ए सिटीजन, जहां जहां भी हाइड आउट देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सोर्सेज को मोबिलाइज करना है और उनको करारा जवाब देना है, सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सोहेल जी, मगोत्रा जी आपका भी धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका भी, राजीव जी आपका भी। तो फिलहाल आप देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मददगार हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और साथ ही साथ देखिए जिस तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है, सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मुस्तैदी बरतना अब शुरू कर दिया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।